नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मनान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो मैं नर्सरी है। और आज हमारे पास हिमाचल से जो चल के आए हैं उनसे का परिचय करवाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे देखने वाले उनको राम राम कीजिए। राम राम जी, राम राम। तो ये बताइए, सबसे पहले आप कहाँ से आए हो? सर, हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। तो आज जो हमारे यहाँ नर्सरी पे आए, आप क्या लेके जा रहे हो? सर, हम आपसे पेड़ लेके जा रहे हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? वाइट चंदन जी, लाल चंदन, मुगली, मोहगनी जी, तो नींबू, लौंग, इलायची, लौंग और इलायची, ये आप पौधे लेके जा रहे हैं। तो आप यहाँ नर्सरी घूम के देखा, कैसी है हमारी नर्सरी? सर, बहुत बढ़िया लगा। नर्सरी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। तो और हमारे पास जो लगे हुए पौधे हैं वो भी आपने देखे हैं, वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी कैसी है? बहुत बढ़िया। हिमाचल में कहीं आप लगा हुआ सुना है आपने कि भी हिमाचल में चंदन हुआ है या लगा रहे हैं लोग? अभी सर नया नया हम तो एक दो जगह सुना है जी, तो उसी को देखकर हम यहाँ आपके पास आए। उसी को देख के। तो क्या जो देखने वाले किसान हैं उनको क्या कहना चाहोगे, ये खेती करनी चाहिए या नहीं करनी? बहुत ज़रूरी आज के टाइम में, बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है इसके? कारण ये है कि जो हम रूटीन में वो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं गेहूं और बाजरे की या मक्की की जी जी, उससे बढ़िया तो ये है कि 5-10 साल में कुछ ना कुछ हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। तो आपके साथ में जो आए हुए हैं, आप बताइए कि कैसी जो ये खेती है, चंदन की खेती कैसी है? और आप जिनके साथ में आए हो तो क्या ये एक फायदे का सौदा है जो अभी जो अलग से हटके जो खेती कर रहे हैं लोग? लग रहे हैं जी भाई साहब, बहुत फायदे का सौदा। आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ बड़े बड़े चंदन के पेड़ हैं जो हो चुके हैं। हाँ, देखा, सुना भी है, देखा भी। और क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वैरायटी कितनी है? बहुत ज्यादा वैरायटी है। वैरायटी आपने देखा होगा, पूरी नर्सरी अगर ऊपर की तरफ देखते तो और भी ज्यादा हमारे पास वैरायटी है ना, बहुत ज्यादा है। मैंने तो कभी पहले मतलब इतना कुछ देखा नहीं था, पहली बार ही देखा। तो क्या लग रहा है, ये कुछ फायदे का सौदा है या फिर ये लोग? लग तो बहुत फायदे का रहा, क्योंकि चंदन की लकड़ी काफी महंगी है और अपने क्लाइमेट में होने वाली चीज है ये। हाँ जी, ये भी नहीं है कि भी ये होगी ना होगी, यही सोच कर लेने आ रहे हैं। होने वाली चीज है तो यही सोच कर ले तो रही। तो ये आपके साथ में हो रहा है, आपको क्या लगा इधर माइक वैसे पकड़ लो, तो आपको क्या लग रहा है कि ये खेती है जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप इनके साथ में आप लगाना और देखना आपका सारा काम है, तो आपको क्या लगा यहाँ पे आके? सर, अच्छा लगा, मतलब आपने लगा हुआ चंदन भी देखा था। हाँ जी। तो आप लग जाएगा इसलिए आप कर लोगे इतनी मेहनत? हाँ जी, हाँ जी, कर लेंगे सर। तो अभी आप यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर के समथिंग चल के आए। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के वातावरण में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं हिमाचल? नहीं नहीं। तो अभी जो हमारे देखने वाले उनको क्या कहना चाहोगे कि आप भी लगाओ पौधे? पौधे लगाओ। हमारी नर्सरी कैसी लगी? अच्छी है सर, अच्छी है, पौधे अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारे सभी देखने वाले किसान भाई उनको यही कहना चाहेंगे कि बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए, तो आप हमारे नर्सरी विजिट करें एक बार, देखें और हमसे बेहतर क्वालिटी के पौधे लें। धन्यवाद।